बिलासपुर जिला के महत्वाकांक्षी चार बड़े प्रोजेक्टों फोर लेन एम्स हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और रेलवे लाइन निर्माण कार्य में रोजगार देने में स्थानीय लोगों की हो रही अनदेखी का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने जिला प्रशासन को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। संघर्ष की आगामी रणनीति तैयार करने के लिए 7 अगस्त को कंद्रौर में जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रोजेक्टों से प्रभावित लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें संघर्ष समिति का गठन कर बड़े स्तर पर आंदोलन की शुरुआत करने की रूपरेखा बनेगी। कंपनियों की ओर से रोजगार की शर्त लागू न करने पर उपायुक्त कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंबर ठाकुर ने प्रोजेक्टों में स्थानीय लोगों की रोजगार में अनदेखी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तीनों विधायकों की घेरेबंदी की। नड्डा जी के घर में बिलासपुर में उनके चुनाव क्षेत्र में 4 प्रोजेक्ट आए हैं, रेलवे, एम्स, फोर लेनिंग और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। चारों में एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपके जिला के अंदर, आपके चुनाव क्षेत्र के अंदर जहाँ से आप नेता बने, ये चारों कंपनियाँ धींगा मस्ती कर रही हैं। जिला प्रशासन कंपनियों को संरक्षण दे रहा है, कंपनियाँ अवैध काम कर रही है, जिला प्रशासन कंपनियों को संरक्षण दे रहा है, किसी भी आदमी को रोजगार नहीं है। जबकि वीरभद्र जी के समय में हिमाचल प्रदेश के चमेरा से लेके NHPC, NTPC, अंबुजा, अल्ट्राटेक सब कंपनियों में 70 नहीं है तो 50% लोगों को रोजगार मिला है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर हमने अगले कल 2 तारीख और 3 तारीख को बिलासपुर के DC ऑफिस में धरना रखा था, लेकिन DC साहब के और प्रशासन के निवेदन के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें 7-1 दिन का टाइम और दो, हम कंपनियों से बात करेंगे और इसको ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे, क्योंकि अभी तक ज़मीनी स्तर पर ये लागू नहीं हुआ, अभी सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए हैं। तो हम इंग्लिश भी अच्छी तरह है, पढ़ना जानते हैं, इफ एंड वर्ड्स नहीं चलेंगे लेटर के अंदर। तो अब हमने 7 तारीख को तक ये धरना टाला है उनके निवेदन पे। 7 तारीख को हमने कंद्रौर में इसकी एक संघर्ष समिति बनाएंगे। यदि 7 तक हमें सही फैसला नहीं आया प्रशासन का, तो 7 तारीख को कंद्रौर के अंदर पूरे चारों चुनाव क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को, NGO को, सामाजिक संस्थाओं को, महिला मंडल, युवक मंडल, सब लोगों को वहाँ पे इकट्ठे करके एक समिति बनाई जाएगी, संघर्ष समिति, और हर रोज़ जो है फिर आंदोलन चलेगा। उसके बाद वो डेट फिर निश्चित करेंगे और हर रोज़ हर चुनाव क्षेत्र से 200-250 आदमी आएंगे और 1000 की संख्या में हर रोज़ आदमी यहाँ पे बैठेंगे। दिव्य हिमाचल TV के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।